26 जुलाई को करीब 2 बजे राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष एवं भाजपा मीडिया प्रभारी खेमचंद यादव को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ गौ तस्कर रोहनिया से होकर भारी संख्या में गौवंश को ले जा रहे हैं। जब गौ तस्कर रोहनिया से गुजर तब खेमचंद यादव ने उनसे कहां ले जा रहे हो ऐसा पूछा। तब उन्होंने ग्राम का कलहरा तहसील विजय राघवगढ़ के सरपंच के द्वारा लिखा गया पत्र दिखाया। लेटर पैड में लिखे सरपंच के नंबर से जब खेमचंद यादव ने पूछा कि क्या आप यह गाय भेज रहे हैं, तब उन्होंने सीधे कहा कि यह लेटर पैड फर्जी है, यह लेटर पैड मेरा नहीं है। जबकि उस लेटर पैड पर कलहरा ग्राम पंचायत के सरपंच का सेल साइन भी था। गौ तस्करों द्वारा ठोस जवाब न देने पर खेमचंद यादव ने तुरंत बड़वारा पुलिस को सूचना दी तथा 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इसके बाद देर रात बड़वारा पुलिस ने गौ तस्करों को गुड़ा के जंगल से गिरफ्तार करीब 12 बजे रात तक थाने में डटे रहे। राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता 27 जुलाई को गौवंश को कभी 12 किलोमीटर दूरी जंगल से खेमचंद यादव, विकास यादव, विनय नागवंशी एवं भूपेंद्र सूर्यवंशी के द्वारा करीब 3 घंटे के बाद लखाखेरा ग्राम पंचायत की गौशाला में सुरक्षित छोड़ा। इस अवसर पर मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र बहादुर सिंह ने बड़वारा थाना पहुंचकर दूसरे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। सांसद प्रतिनिधि पद्दोष गौतम जी ने बड़वारा थाना प्रभारी से फोन पर बात कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। इस अवसर पर गुड्डू साहू जिला अध्यक्ष, युवा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी कल्याणपुरी जी, गणेश पुरी जी, विकास यादव, विनय नागवंशी, खेमचंद यादव, भूपेंद्र सूर्यवंशी, राघवेंद्र सिंह, राजू तोमर, राम मिलन यादव आदि की भूमिका रही। कटनी से 9 भारत समाचार के लिए शिवांश मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, जो कल ग्राम पंचायत रोहनिया में जो गौ तस्कर जो गाय ले जा रहे थे उसकी शिकायत हम लोगों ने थाना प्रभारी बड़वारा को दी, जिसके बाद 2 गौ तस्करों को पकड़ा भी गया तुरंत और पुलिस के हवाले किया गया। इसके बाद हमने कल देर शाम हमने FIR दर्ज, मतलब शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद क्या होता है कि फिर आज पुनः पुलिस महकमे से सर्चिंग टीम गई और उन्हें और गुड़ा के जंगल से प्राप्त की, जिसे हम लोगों ने, मैं, विकास यादव और विनय नागवंशी, उपेंद्र, इन सभी ने पैदल तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर तक हमने पैदल लाया और इनको गौ माता, ये जो लखाखेरा की गौशाला है, इनके सुपुर्द किया। क्या नाम है सर? रविदास सहायता समूह लखाखेरा, 50 गाय बैलों की, जिसे हमें पर्ची प्राप्त हो चुकी है। ये अपना रोहनिया से सूचना आई है अभी, तो इन्होंने बताया कि अवैध रूप से गौ तस्करी की जा रही है, जिसके बाद हमने 2 लोगों को उठाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। वहाँ पे मौके पे पहुँच के उसकी जांच की जा रही है पूरी तरीके से। उसके बाद जो भी चीज़ सामने आएगी तो संज्ञान में लेकर के उस पर कार्रवाई की जाएगी।